I am Apoorv Dixit. I have secured All India Rank 11 in Indian Forest Service Examination 2021. Uh, this has been a long journey for me. I have prepared for last six years. In these six years, I have given five attempts for civil services and it is after the third attempt that I also started attempting the Indian Forest Service Examination. Uh, this was my third attempt in Indian Forest Service. If I talk about my strategy, I'll divide it into three parts, prelims, mains and interview. प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स फॉरेस्ट सर्विस का स्लाइटली डिफिकल्ट होता है सिविल uh, सर्विसेज से बिकॉज क्योंकि कट ऑफ एज यू नो ज़्यादा जाती है तो इसलिए प्रीलिम्स स्टेज पे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है बट uh, अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स के लिए आई यूज़ फेयली स्टैंडर्ड सोर्स जो सब यूज़ करते हैं uh, तो इन टर्म्स ऑफ बुक्स कोई स्ट्रैटेज चेंज नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स मैं ऐसा करता था कि करंट अफेयर्स मैं दो सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करता था और जब आप दो सोर्सेज से कर रहा हूँ तो मेरा मेन फोकस रहता था कि मैं अपने करंट अफेयर्स की ब्रेथ बढ़ाऊँ राधा दिन द डेप्थ तो मैं कोई भी एक चीज दो सोर्सेज से नहीं पढ़ूंगा बट आई वु रीड रीड इट फ्रॉम द अदर सोर्स इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन वन सोर्स सो अगेन विथ पर ज़्यादा ध्यान होता था एज कम्पेयर टू डेप्थ आफ्टर डूइंग दिस द बेसिक बुक्स सेवरल टाइम्स एंड एंड द कर इट इज द मॉक टेस्ट विच इज गोइंग टू टेक यू थ्रू तो मॉक टेस्ट में जितने ज्यादा पॉसिबल होते थे लगाने का मैं कोशिश करता था कि मैक्सिम टू मैक्सिमस्ट लगाऊ आई वु अपू फिफ्टी सिक्स एंड इफ नीड भी अपड्रेड टेस्ट बट मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिकॉज वो आपकी नॉलेज का एप्लीकेशन होता है और अल्टीमेटली प्रिलिम्स में आपको वही करना पड़ता है कि अगर आप अपनी नॉलेज ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो प्रिलम्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और यही नॉलेज एप्लीकेशन में एक एस्पेक्ट होता है आपको जो आपने पढ़ा हुआ है वो और दूसरा होता है आपकी रीजनिंग आप कैसे उस नॉलेज को रीजन करते हो कैसे क्वेश्चन को में वो नॉलेज अप्लाई करते हो इट इज़ अलॉट मोर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन यू थिंक इट इज़ तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको रीजन करना उसको प्रॉपरली uh, उस पर थाट uh, देना बहुत जरूरी होता है एंड आई थिंक दिस इज द डिफरेंस विच टेक्स योर प्रम स्कोर फ्रॉम लेट से अबाउट नाइनटीन नाइन्टी फाइव टू हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड फिफ्टीन दट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज वॉट इज गोइंग टू डिफेंशिएट यू अब मैं अगर बात करूँ मेन्स की तो मेन्स जैसा कि मैंने बताया था कि फॉरेस्ट सर्विसेज का मेन्स में दो ऑप्शनल होते हैं और एक जी का पेपर होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है uh, क्योंकि मेरा सिविल सर्विसेज से डिफरेंट ऑप्शनल ऑप्शनल था तो मुझे ऑप्शन पे बिल्कुल स्क्रैच से मेहनत करनी थी मेरा सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल हिस्ट्री था यहाँ मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री को चूज़ किया आ, अगर मैं बात करूँ जियोलॉजी की तो जियोलॉजी में मैंने एक इंस्टीट्यूशन है प्लानट जियोलॉजी उस पर बहुत हैविली रिलाई किया था मैंने वहाँ से क्लासेस करी थी और उसके बाद उससे नोट्स बनाए थे और नोट्स बनाना यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल था क्योंकि इन्हीं नोट्स के चार से पाँच रिविजन के बाद मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जियोलॉजी में अच्छा कर पाऊँगा और जियोलॉजी में मेरे मार्क्स भी वही चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं आ, अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट्री की तो सिमिलरली फॉरेस्ट्री में मैंने एक हॉर्नबिल नाम का इंस्टीट्यूशन है वहाँ से वहाँ से नोट्स लिए थे और मैंने उन्हीं नोट्स का अगेन उस नोट से अपने नोट्स बनाए थे और उसी के चार से पाँच बार, बार रिविजन करके आपने मैंने एग्जाम में रिप्रोड्यूस किया था सो ये बात होगी मेरे ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी को लेके अब नेक्स्ट में बात करूँ अगर इंग्लिश पेपर की तो जो इसमें इंग्लिश पेपर कंपलसरी पेपर होता है तो इंग्लिश पेपर में ऐसे फेल स्टैंडर्ड होता है तो अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे लिखना आपको अब तक आता होगा लेटर और रिपोर्ट की बात करें तो लेटर और रिपोर्ट में फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको फॉर्मेट पता है आप लिख ले जाएंगे तो एक बार फॉर्मेट देख लीजिएगा इसके बाद जो तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ पर आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो अच्छा वो होता है ग्रामर वाला पोर्शन अब ग्रामर वाले पोर्शन में इट इज़ जस्ट अ फिफ्टी मार्क मार्क क्वेश्चन बट अगर आप चाहो तो आप इसमें फोर्टी फोर्टी फाइव से ऊपर स्कोर कर सकते हो तो इसमें जो भी आ, आ, आपको जो क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आते हैं आप टाइप्स देखिए और उनको यूट्यूब पे सर्च करिए और उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया या एक्टिव पैसे हो गया आप इसको यूट्यूब पर मारेंगे बहुत सारे, बहुत सारे सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और आप इसको वहाँ से ये वीडियोज देख के आप इनको ट्रांसफॉर्मेशन सीख सकते हैं Uh, तो ये हो गई आपकी इंग्लिश uh, की बात लास्ट में मैं बात करूँगा जीके की तो जो जीके का पेपर होता है ये 300 मार्क्स का होता है इसमें 50 मार्क्स के छः पोर्शन आते हैं जो कि बेसिकली अपने uh, सिविल्स के जीएस एस वन टू थ्री के जैसे होते हैं कि उसमें हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफ़ी इकोनॉमी इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक ये छः पोर्शन्स होते हैं जो स्लाइटली डिफरेंट मेहनत पड़ती है इसमें एक तो हिस्ट्री में चार में से ऑलमोस्ट तीन क्वेश्चन एनशियट या मेडिवल के होते हैं कि जो कि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करके चले जाते हैं तो आप इसमें एंशियट और मेडिवल को आप इग्नोर नहीं कर सकते सेकेंडली साइंस एंड टेक में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हो जाती है बिकॉज में साइंस एंड टेक में थोड़े से आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आने की टेंडेंसी रहती है तो मैंने स्पेशली थोड़ा साइंस एंड टेक पे ज़्यादा फोकस किया था दो अगेन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो उस मेहनत के बाद भी शायद वो आंसर ना हो पाए इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं अगर मैं बात करूं तो जो करंट अफेयर्स का करंट अफेयर्स का जो एस्पेक्ट है इस एग्जाम इस पर्टिकुलर जीके पेपर में वो थोड़ा सा कम इम्फेसिस होता है तो इसीलिए करंट अफेयर्स की तरफ बहुत ज़्यादा लीन ना करिए क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ने जाओगे तो उसका कॉस्ट बेनिफिट इतना निकल के नहीं आता है करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए बट बड़े बड़े ब्रॉड मोटे टॉपिक्स पढ़िए राधा दैन जो स्पेसिफिक्स हम पढ़ने लग जाते हैं उसको आप अवॉइड करिएगा तो ये बात हो गई आपके जीके पेपर की अब लास्टली मैं बात करूं अगर इंटरव्यू स्टेज की तो इंटरव्यू स्टेज जैसा कि मैंने बताया था ये बिल्कुल सिविल सर्विसेज जैसा होता है सेम बोर्ड्स होते हैं एक्सेप्ट द फैक्ट बोर्ड के चेयर सेम होते हैं एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो आपका मेंबर्स होते हैं वो सिविल सर्विसेज में पांच मेंबर्स होते हैं यहाँ पे चार मेंबर्स होते हैं यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं अब अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करूँ तो अगेन जो आपका डिटेल एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म होता है डैफ वो आपका मेन कोर एरिया होता है आपके इंटरव्यू को प्रिपेयर करने का इसमें जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका होम स्टेट हो गया होम डिस्ट्रिक्ट हो गया आपने कहीं जॉब किया तो जॉब एक्सपीरियंस हो गया आपका जॉब प्रोफाइल हो गया इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो गया आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया तो इन सब पे और इन सब पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए तो ये हो गया डैफ वाला पार्ट अदर देन दैट आपको जो करंट अफेयर्स होता है उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए और लास्टली जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन होता है इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लें जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं जो हम जनरली सिविल्स के लिए इन्वायरमेंट में इग्नोर कर देते हैं उन पर थोड़ा ध्यान देकर आप इसमें इन्वायरमेंट वाला पोर्शन अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप इंटरव्यू में काफ़ी बेटर कर पाएंगे तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर फोरम एम आई से मेरा एसोसिएशन काफ़ी पुराना रहा है मैं यहाँ पे ओवर द इयर्स फोरम आई हमेशा अलग अलग जर्नीज़ की अलग अलग रिस्पेक्ट में मैंने फोरम आइज़ का यूज़ किया है और आयुष सर से मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैंने मेंटरशिप ली है मैं इस, इस फोरम आइज़ को थैंक यू करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के लिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं आप सब तक रीच कर पा रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर गुड विशेज़ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर इंडिवर्स थैंक यू